हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बिहार में पटना मेट्रो का सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट, विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है पटना मेट्रो का ट्रायल रन। डिपो में अगस्त से पीछे गया ट्रैक, पूरी जानकारी को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो वीडियो को बिना देर के शुरू करते, मैं बता दूं आपको, पटना मेट्रो से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। बता दूं कि पटना मेट्रो बिहार में अगले साल अक्टूबर नवंबर से विधानसभा चुनाव होने वाले है। इससे पहले जो है आपको पटना मेट्रो का ट्रायल रन संभव है। मेट्रो डिपो का काम अगले साल मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण के बाद जो है मेट्रो अधिकारियों को काम में और तेजी लाने का निर्देश दिया है। मैं आपको बता दूं कि एलिवेटेड रूट पर 75% सिविल वर्क पूरा हो चुका है, भूमिगत रूट में 45% सिविल वर्क पूरा हो चुका है और 3.5 एकड़ जमीन पर मेट्रो डिपो का भी निर्माण का काम चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगले साल अक्टूबर नवंबर में संभवत विधानसभा चुनाव से पहले पटना मेट्रो का ट्रायल रन हो सकता है। इसके लिए डिपो पे अगस्त में ट्रैक बिछाने का भी काम शुरू हो जाएगा। मेट्रो डिपो का काम अगले साल मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मैं आपको बता दूं कि करीब 30.5 एकड़ जमीन पर डिपो का निर्माण किया जा रहा है, जहां करीब 5 दर्जन ट्रेन खड़ी की जा सकेगी। इसके साथ ही कंकड़बाग से मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी स्टेशन तक प्रायोरिटी कॉरिडोर के सिविल वर्क भी मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है। आपको मैं बता दूं कि नीतीश कुमार ने काम में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण के बाद मेट्रो अधिकारियों को काम में और तेजी लाने का निर्देश दिया और मेट्रो डिपो में मेट्रो ट्रेनों को ट्रायल मेंटेनेंस एवं तकनीकी जांच आदि का भी काम होता है। पटना मेट्रो की ताजा प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, सबसे पहले मलाही पकड़ से न्यू आईएसबीटी तक 5 एलिवेटेड स्टेशन के बीच ही सबसे पहले मेट्रो रेल दौड़ने की योजना है। इसे मलाही पकड़ी, खेमनी चौक, भूतनाथ 0 माइल और न्यू आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन शामिल है। मैं आपको बता दूं कि पटना में जो है आपको शुरू होगा, इसको लेकर जल्द ही निविदा और प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि एलिवेटेड रूट पर बाईपास के पास मुख्य रूप से 3 जगहों पर काम बचा है, जिसे 5-6 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके बाद प्रायोरिटी कॉरिडोर रूट पर पटरी बिछाने का काम भी शुरू होगा। इसको लेकर जल्द ही निविदा एवं अन्य प्रक्रिया शुरू की जाने की संभावना है। तो आपको मैं बता दूं कि जायका के कारण जो है पेंच में फंसा हुआ है, तो पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर शुरू करने में सबसे बड़ा पेंच जायका, जापानी इंटरनेशनल को ऑपरेशनल एजेंसी के कारण जो है फंसा हुआ है प्रोजेक्ट। तो बहुत जल्द जो है पटना यानी कि बिहार